मॉर्निंग गाइज, हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। और गाइज, आज की वीडियो होने वाली है माई फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। तो जी हाँ, तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सुबह सुबह उठ चुकी हूँ। आप देख रहे हो इतनी सुबह मैं पिछले 4 महीनों में नहीं उठी। 6:30 बजे मैं सुबह से आउटफिट डिसाइड करी, मैं ये पहनूँ वो पहनूँ ये पहनूँ वो पहनूँ। तो फाइनली कुछ मैंने डिसाइड कर लिया है। तो जो जीन्स मैं पहनने वाली हूँ उसमें थोड़ी सी गर्मी लग सकती है, बट लेट्स सी। आई होप कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो। गई थी स्पेशली व्लॉगिंग करने, एंड यहाँ पे देख लो ग्रीनरी। ग्रीनरी तो वैसे कहाँ ही, आजकल हर जगह कूड़ा ही है। तो अब फाइनली चलते हैं रेडी होने। बैग पैक कर रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा ज़्यादा वैसे मैं क्या लेके जाऊँ, पर मैंने यहाँ पे ईयरफोन ले लिया, अपना फ़ोन ले लिया है, और ये टिश्यूज़ ले लिए हैं क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई है। और मैंने एक वाटर बॉटल ले लिया, पर मैंने इसमें ज़्यादा पानी डाला नहीं है क्योंकि जैसे आप देख सकते हो मैं ये वाला बैग लेके जाने की सोच रही हूँ, और इसकी ये जो ये वाले हैं मुझे इन पर भरोसा नहीं है, तो मैं इसे कॉलेज में जाके भर लूँगी। और मैंने यहाँ पे एक नोटबुक ले लिया, प्लेन नोटबुक। मैंने रजिस्टर नहीं लिया, अगेन सेम रीज़न, क्योंकि ये बैग भारी हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे एक न्यूड लिपस्टिक डाल ली है और एक पिंक लिपस्टिक डाल ली है जो मैं एज अ ब्लश यूज़ कर लूँगी। और मेरा घटिया सा चश्मा, मुझे चश्मे से बहुत नफरत है, पर मुझे एज वेल मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी है इससे, क्योंकि लव एंड हेट रिलेशनशिप यू नो, क्योंकि इसके बिना मुझे दिखता नहीं और मुझे इसका लुक बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड मैंने यहाँ पे 2 एप्पल ले लिए हैं। तो फाइनली मैं भी चीज़ें डाल रही हूँ बैग में और मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो मैं आपको अब अपनी लुक भी दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द फिट ऑफ द डे। तो मैंने अपने बाल नॉर्मल प्लेन कंघी कर रखी है ऐसे करके बिल्कुल चिपका के, एंड थोड़ा सा ब्रश लगाया, मस्कारा लगाया, लिपस्टिक लगाई है, मतलब टिंट टाइप लगा रखा है। ब्लैक कलर की मैंने एक टी पेयर की है और इसके साथ में एक ब्राउन पैंट्स, जो मैं आपको जब फुल लुक दिखाऊंगी तो आप देख लेना। एंड अभी थोड़ी सी गर्मी सी हो रही है, इससे वो बरसात वाला होता है ना वो हो रहा है, तो इसलिए मैंने टिश्यूज ले लिए हैं। यू कैन सी द रीज़न वाई। कॉलेज आ चुकी हूँ और अभी यहाँ पे कोई भी मेरी फ्रेंड नहीं है, और जो फ्रेंड है उसके लेक्चर लग रहा है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ पागलों की तरह, मुझे सच में बहुत अजीब लग रहा है। सभी लोग अपनी अपनी क्लास में जा रहे हैं और इतने लोग हैं भी नहीं, एंड आई फील वेरी वियर्ड। और मेरा फेस बहुत ज़्यादा स्वेट हो गया है, मैं आपको दिखा नहीं सकती अभी। तो जब पढ़ना आती है तब आपसे मिलते हैं। अभी मैं बैठी हूँ एक बेंच पे, एंड यहाँ पे मेरे साथ एक दीदी बैठी हुई थी सेकेंड ईयर के, बहुत अच्छे थे वो, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई और अभी तक अपर्णा नहीं आई, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस पर। तो 10:30 बजने वाले हैं, मुझे बैठे हुए 1/2 घंटा हो गया, पर दीदी ने बात कर ली तो मुझे टाइम को पता ही नहीं चला। अपर्णा का वेट करती हूँ और फिर देखती हूँ। फाइनली जिसका इतना वेट था मुझे 1/2 घंटे से, फाइनली वो आ गई है यहाँ पे। और तूने मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मुझे अकेले छोड़ के। वो तो यहाँ पे एक दीदी बैठी थी, पता है उसने मेरे साथ इतनी बातें की सेकंड ईयर की। मैंने नहीं करी अभी तक किसी से भी बात। तो अब चलते हैं क्लास में, और मेरा फेस, मैं कितना अच्छा मुँह बना के आई थी यार, एकदम कोरियंस की तरह मैंने मेकअप किया था और मेरा फेस सारा ख़राब हो गया है। बट चलते हैं पंजाबी क्लास में, पंजाबी क्लास लग गई 10:30 बजे, मैं 1/2 घंटे से यही बैठी हूँ। पर जो दीदी मुझे यहाँ बैठे थे उसने मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी, सो आई एम नॉट सैड। ओके गाइस, सो दिस इज आउटफिट ऑफ द डे। आई एम वेयरिंग अ वेरी सिंपल ब्लैक टी। आई एम इन द क्लास और अभी तक कुछ भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, हम लोग बस बैठे हुए हैं। तो गाइस अपर्णा क्या आई थी, मेरे पे इयर रिंग बहुत सूट कर रहा है तो मैंने ये भी पहन ली है। अपर्णा से ज़बरदस्ती बुलवाया गया था, पर अच्छे तो लग रहे हैं ना, ठीक लग रहे हैं। अपर्णा इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मी, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन अपर्णा। ये गर्ल्स हॉस्टल एंड यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। गाइस वी आर इन द लाइब्रेरी, बिल्कुल मूवीज वाली फीलिंग आ रही है। ये बहुत पुरानी पुरानी बुक्स रख रखी है इन्होंने। गाइस फाइनली थोड़ी कॉलेज वाली फीलिंग आते हुए, तो ये मेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास है, जो मैं सब्जेक्ट मैंने लिया नहीं है पर मैं चेंज करवाऊँगी, तो बिल्कुल जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना वो है। गाइस आदित्य और अपर्णा चाहेंगे, इतने ज़्यादा बोर हो रहे हैं ना हम। ये कैंटीन वाला कोई एरिया है और यहाँ पे नेस्कैफे और पता नहीं लोग, मैंने मैगी खाते हुए देखे, बाकी मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। बहुत ज़्यादा बोरिंग, सुबह से मेरा एक भी लेक्चर नहीं लगा, एक भी अटेंडेंस नहीं लगी, और इसके सुबह से लगे ही जा रहे हैं। नहीं मतलब मैं इसे जलन नहीं कर रही, बट वैसे मैं बता रही हूँ कि इसके भी लग रहे हैं, मेरे और पढ़ना के नहीं लग रहे। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा है यार, स्कूल लाइफ इतनी अच्छी थी। वी आर एट नेस्कैफे और हमने एक मैगी ऑर्डर की है, और यहाँ पे डॉग इज स्लीपिंग हियर। फाइनली हेयर एंड द टेस्ट इज़ सो यम, मतलब हमने टेस्ट करके देख लिया और इतनी ज़्यादा फ्लेवरफुल है ना ये। तो ये हमने मंगाई थी पनीर, पनीर मंचूरियन मैगी, पनीर चिली पनीर मैगी। गाइस यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं हमारे स्कूल में, एंड यू कैन सी थोड़ी सी भीड़ हो रखी है। वो देखो वहाँ पे बेंचेस रख रखे हैं ऊपर इन्होंने,
बीन 12 बज चुके हैं गाइज, अभी तक मैंने एक भी क्लास अटेंड नहीं की। सुबह से बस मैं इधर से उधर हो ही जा रही हूँ। क्लास लगने वाली है अभी पॉलिटिकल साइंस की, इन दोनों की लगने वाली है, पर ये लोग मुझे धक्के से घुसा लेंगे क्योंकि मेरी सुबह 9 से 10, तो 9:30 से 10:30 है, पर अभी मुझे लग गई। ओके सो आई एम गोइंग। एक और बार हमारा कैंपस 1 बजे कैसा दिखता है, वैसा ही दिख रहा है जैसे सुबह के 8 बजे दिख रहा था। अच्छा अभी भी लग रहा है, आज तो अभी थोड़ा खाली हो गया है, थोड़ा खाली हुआ है ना, और हमारे अभी हम जब थोड़ा पीरियड और ख़त्म कर लेंगे ना तो और भी खाली हो जाएगा, तब और खाली हो जाएगा। तब एक लेक्चर लगाने के बाद जैस्मिन का फेस ऐसा हो चुका है, मैम बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, पॉलिटिकल साइंस का पढ़ा रहे थे मैम, तो अब हम जा रहे हैं कैंटीन क्योंकि हमारा पीरियड फ्री है। इसलिए गाइज मैंने ये बाय किया है क्योंकि और कुछ भी नहीं था, पैटीज वगैरह सब कुछ आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा सब कुछ खाली हो रखा था इस टाइम, बस यही चीज़ें थी, लेज वगैरह। मैंने अपर्णा लंच करती हुई और हमने बस यही लिया है, अपर्णा ने कोक लिया है, नहीं तेरा फेस नहीं लिया मैंने, तेरा लंच लिया है, अपर्णा ने कोक लिया, बट आई डोंट लाइक कोक, पर अपर्णा की थोड़ी सी पी लूँगी अगर अपर्णा से गई तो। नहीं ये मजाक था। मौसमी से गाइस ये क्राफ्ट इन्होंने सरिये को, इंग्लिश में क्या बोलते हैं किसको, सरिये को, इन्होंने कुछ क्राफ्ट बना रखा है आयरन से बना रखा है जिसको हम सरिया बोलते हैं, एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल। थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ी शांति हो गई है, एंड हम अब सुबह से हम पहली बार फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं, हमें रूम नंबर 141 में जाना है, तो शायद यही है ना। एम्प्टी क्लासरूम, टूटा फूटा थोड़ा सा, बट नाइस। गाइस फाइनली 7th पीरियड आ चुका है हमारा, एंड पूरा दिन मैं ब्लॉग ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा बच्चे भरे हुए थे। फाइनली 7th पीरियड है, तो मेरा हिस्ट्री का 8th पीरियड है, पर मैं 7th पीरियड में बैठ गई हूँ क्योंकि मैं चेंज करवाना चाहती हूँ। मैंने सुबह सिर्फ मस्कारा लगाया हुआ था और मैं लिपस्टिक और ब्लश लगाया हुआ था, उनका तो भाई पता ही नहीं चला, दिखे ही नहीं मुझे वो सुबह से वो, तो इसलिए अगर आप लोग भी कॉलेज आने की सोच रहे हो, आपका कॉलेज चंडीगढ़ में अभी तक आप गए नहीं हो, तो आपके लिए ये एक प्रो टिप है, बिल्कुल भी मेकअप करके मत जाना प्लीज़। अगर आपको कॉलेज मार्च से लेके अगस्त तक है, अगर सर्दियाँ तो आप दबा के जा सकते हो क्योंकि सर्दियों की इतना ज़्यादा पता नहीं लगता। वी आर वेटिंग फॉर टीचर, और अभी 5-6 बच्चे आए हैं क्लास में। अपर्णा ज़िंदगी से परेशान हो गया, अपर्णा बहुत ज़्यादा थक गई है गाइस, बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं, इसके बाद घर ही जाएंगे, 3:30 बचाई हमें, होप्स हो कि कोई टीचर आ जाए। हिस्ट्री की क्लास से बाहर निकले, एंड गेस व्हाट, इट्स रेनिंग आउटसाइड, सुबह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, खुशी भी। पढ़ना कह रही है कि इसको भीगते हुए जाना है, इसलिए हम बारिश में से जा रहे हैं। गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि सुबह नहीं हुई थी, सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ठंड पड़ रही है सच में हम इस टाइम बिल्कुल। बाकी सब लोग अंदर से जा रहे हैं कॉरिडोर के, एंड वी आर जस्ट, हमें मज़ा आ रहा है आज बारिश में, वी आर जस्ट इंजॉइंग द वेदर। हिस्ट्री वाले सर तो बहुत अच्छे थे, पर इतना ज़्यादा बोर किया, मतलब आई वाज स्ट्रगलिंग टू कीप माय आईज ओपन लिटरली। अब हम जा रहे हैं घर, मेरे साथ ये केस नहीं था। टाइम हूँ बस स्टैंड पे और बस का वेट कर रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं तो भीड़ होने वाली है बस में, कब बस आती है। आई एम फाइनली बैक होम, और मैं आज इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ, मेरे पैर लिटरली मुझे अपने पैर साथ में फील नहीं हो रहे हैं, शूज़ पहन के मेरे पैर बिल्कुल स्वेल कर चुके हैं, और आते टाइम मुझे बस में सीट भी नहीं मिली, तो बहुत बहुत ज़्यादा टायरिंग था। एंड ऑल ओवर कॉलेज का फर्स्ट डे अच्छा था, लेक्चर्स वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा सस्ती आ रही थी, और जब लेक्चर्स नहीं लग रहे थे तो मुझे कि कब लगेगा लेक्चर, कब लगेगा, तो ऑल ओवर इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी, अगर आपका भी फर्स्ट डे है या अगर आप भी कॉलेज जा रहे हो, तो प्लीज़ वेयर समथिंग वेरी वेरी कम्फर्टेबल, अवॉइड डेनिम्स एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि गर्मियों में डेनिम्स में इतनी गंदी वाली गर्मी लगती है ना, बस पूछो मत। मिलते हैं अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन बाय बाय।